बार की बात है, एक दूर दराज गाँव में दो हुनरमंद शिल्पकार रहते थे। उनका नाम था जेम्स और एलेक्स। वो बहुत अच्छे दोस्त थे और उन्हें बहुत पसंद था मिट्टी से तराश कर दुर्लभ कृतियाँ बनाना। उन्होंने बनाए खिलौने, घड़े, बर्तन, चम्मच, कांटे और साथ ही बहुत कुछ। खैर, क्योंकि ये छोटा सा गांव था, जेम्स और एलेक्स को अपने काम में बहुत कम कमाई होती थी। लोगों के पास देने के लिए काफी नहीं था, पर जेम्स और एलेक्स ने कभी शिकायत नहीं की। ऊंचे स्वर में तो बिल्कुल भी नहीं। जेम्स, सीखो एक ही बार में एक ही चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना। तुम्हें अपनी काबिलियत की जानकारी होनी चाहिए। एक बार जब तुम समझ लो कि एक चीज खत्म करने में तुम्हें कितना समय लगेगा, तो अगले ग्राहक को माल पहुंचाने की लगभग सही तारीख दे सकते हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हमें और ज्यादा चीजें तराशनी होगी और ज्यादा कमाने के लिए। एक बार जब मैं कल का बचा काम खत्म कर लूँ, तो मैं उन नए ऑर्डर को शुरू करूँगा जो आज आए हैं। देखो, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूँ मेरे दोस्त, लेकिन ये कैसे होगा अगर तुम सही समय पर अपना काम ना पहुंचा सको? तुम खुद को तनाव में डाल रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा एलेक्स, मेरी चिंता मत करो। एलेक्स एक पक्के इरादे वाला केंद्रित शिल्पकार था। हर बार जब वो कोई चीज उठाता बनाने के लिए, तो वो उसे समय पर खत्म करता पहुंचाने के लिए। उसने इस बात का ध्यान रखा कि वो एक समय में एक ही काम करेगा। इससे उसे मदद मिलती कि जो काम उसके सुपुर्द है, उस पर केंद्रित रह सके और समय पर काम समाप्त कर सके। पर जेम्स बिल्कुल भी केंद्रित नहीं था। वो कभी किसी को ना नहीं कहता और लगातार काम में ही डूबा रहता। वो एक साथ बहुत से काम ले लेता और कभी उन्हें समय पर नहीं पहुंचाता। एक बार कुछ पर्यटक उनके गांव में आए। वाह, ये हाथी तो असाधारण लगता है। इसकी कीमत क्या है? इसके होंगे चांदी के 2 सिक्के। क्या, बस इतना ही? तुम्हारे ख्याल से इस चीज के लिए इतना दाम लगाना क्या कम नहीं है? यही दाम हम यहाँ हर एक से लेते हैं। यहाँ के गांव वाले ज्यादा दे नहीं सकते और मैं उससे ज्यादा दाम आपसे ले नहीं सकता जो मैं उनसे लेता हूँ। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, पर तुम अपने हुनर के लिए यहाँ काफी नहीं कमा रहे। इस रेगिस्तान के उस पार एक बहुत बड़ा शहर है। तुम अपनी कलाकृतियाँ वहाँ बेचने के लिए क्यों नहीं ले जाते? वहाँ लोग यकीनन तुम्हारे हुनर के लिए ज्यादा दाम देना चाहेंगे। तुम कहीं ज्यादा कमाओगे। ओह, ऐसा है क्या? मैं बेशक इसके बारे में सोचूंगा। धन्यवाद। उस लड़की ने 2 चांदी के सिक्के दिए और हाथी खरीद लिया। उस रात जेम्स, तुम थके हुए लग रहे हो। मैं 2 रातों से सोया नहीं। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। मुझे अब बढ़िया लग रहा है। ये तो बहुत बढ़िया है। सुनो, तुम्हारे ख्याल से क्या हमें अपनी कलाकृतियाँ बड़े शहर में ले जानी चाहिए? हम यहाँ काफी नहीं कमा रहे हैं और यहाँ पर काम भी ज्यादा नहीं है। मैं काम के बोझ के बारे में सहमत हूँ। शायद तुम सही हो, पर ये एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है। हम इसे कैसे पार करेंगे? मैंने काफिले देखे हैं हर कुछ दिन बाद जो रेगिस्तान को पार करते हैं। वहाँ बहुत से ऊंट और गाड़ियाँ होती हैं। असल में एक काफिला तो कल भी जाने वाला है। हम उनके साथ रेगिस्तान पार कर सकते हैं। ये सच है। मैंने सुना है कि रेगिस्तान के उस पार बहुत से धनवान लोग हैं। शायद मैं एक खूबसूरत दुल्हन भी पालूं और मैं वहाँ हमेशा सुख शांति से रहूं। किसे पता। ये सच है। तुम अब आराम करो और अच्छे से आराम करो। तुम्हें अपनी नींद पूरी करने की जरूरत है। हम कल सुबह काफिले के साथ निकल पड़ेंगे। उस रात जेम्स और एलेक्स सुकून से सोए। अगली सुबह उन्होंने अपनी गाड़ी में अपनी कलाकृतियाँ, भोजन और बहुत सा पानी भर लिया। ये एक बहुत लंबी यात्रा होने वाली थी और उन्हें इसके लिए तैयार होना चाहिए था। यात्रा एक अच्छी उम्मीद से शुरू हुई। जेम्स और एलेक्स को उम्मीद थी और वो बड़े शहर में अपने भविष्य के लिए उत्साहित थे। उन्होंने बात की कि वे कैसे और ज्यादा पैसे कमाएंगे, नए हुनर सीखेंगे और ज्यादा नमूने और कलाकृतियाँ बनाएंगे। काफिला दोपहर को भोजन के लिए रुका और रात को रात के भोजन के लिए। ये यात्रा कुछ दिनों तक चलती रही, पर तपती धूप असहनीय हो रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या हमेशा इतनी ही गर्मी होती है?
मेरे ख्याल से तो नहीं, मुझे पानी चाहिए। हम बहुत सा पानी ले आए थे पर वो अब खत्म हो रहा है। ये क्या, ये गर्मी हमारे लिए यात्रा करना बहुत ही कठिन बना रही है जेम्स। सही कहा, और हमारा पानी भी खत्म हो रहा है। आप देखें, वो घड़े जो यात्रियों ने साथ लिए थे वो मिट्टी के बने थे, और अचानक तापमान के बढ़ जाने से घड़े पानी को जल्दी सोखने लगे थे। हम कैसे जिएंगे अगर सारा पानी खत्म हो जाएगा? अभी भी शहर पहुंचने के लिए 2 दिन लगेंगे। मेरे पास एक सुझाव है, हम क्यों ना खोदना शुरू करें पानी ढूंढने के लिए। ओह हाँ, मुझे यकीन है अगर हम काफी गहरा खोदेंगे तो हमें कहीं ना कहीं पानी तो मिल ही जाएगा। ये सही है, चलो एक जगह चुनें और वहाँ खोदने लगें। लोगों ने अपने ऊँटों को वहाँ रवाना किया और एक जगह पर रुक गए। क्या तुम्हें यकीन है हमें यहाँ पानी मिलेगा? हमें तभी पता चलेगा एक बार जब हम खोदने लगें और काफी गहराई तक खोदें। यात्री जमीन में एक गड्ढा खोदने लगे। समय गुजरता गया पर पानी का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ये बेकार है, एक रेगिस्तान में पानी ढूंढना नामुमकिन है। ये कठिन है जेम्स, लेकिन नामुमकिन नहीं है, हमें बस काम जारी रखना होगा। धीरे धीरे एक एक करके यात्री खुदाई छोड़ने लगे। वो सब बहुत थक गए थे। वो वापस अपनी गाड़ियों पर गए और कुछ देर आराम किया। कुछ देर बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? मुझे कुछ देर आराम करने दो। ओह जेम्स, मैं बहुत थक गया हूँ, शायद हमें कुछ देर रुकना चाहिए। तुम जाओ और कुछ देर आराम कर लो, मैं कुछ देर और खोदूंगा। एलेक्स वापस अपनी गाड़ी पर गया और आराम करने के लिए लेट गया। तुरंत ही तपती धूप और शारीरिक श्रम के कारण उसे नींद आ गई। कुछ देर के बाद एक यात्री जेम्स के पास आया। हे, तुम मजबूत लगते हो, तुम बिना रुके इसे करते रहे हो, पर तुम्हें सच बताऊं तो मेरे ख्याल से हम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई पानी है। मुझे एक जगह मालूम है जहाँ यकीनन हमें पानी मिल जाएगा। सचमुच? कहाँ? यात्री ने वो जगह खोदने के लिए जेम्स को दिखाई और खुद गाड़ी में आराम करने के लिए चला गया। जेम्स ने कुछ फुट गहरा खोदा पर उसे पानी नहीं मिला। कुछ देर के बाद एक और यात्री उसके पास आया। हे, तुमसे यहाँ किसने कहा खोदने के लिए? क्या तुम बेवकूफ हो? ठीक वहाँ पर वो जगह है जहाँ पर हमें बहुत आसानी से पूरा झरना मिल जाएगा। क्या ये हकीकत है? वो जगह कहाँ है? बस उसी तरह जेम्स ने अपना फावड़ा उठाया और कुछ फुट की दूरी पर एक गड्ढा खोदने चल पड़ा। फिर से उसने अभी कुछ फुट खोदा ही था कि एक और यात्री ने उसे एक और स्थान के बारे में बताया जिसमें शर्तिया नीचे पानी था। ये कई घंटों तक चलता रहा। जमीन गड्ढों से भर गई थी और उनमें से कोई भी इतना गहरा नहीं खुदा था कि उससे पानी बाहर आता। जब एलेक्स की नींद खुली तो वो हैरान रह गया। जेम्स, तुम ये क्या कर रहे हो? पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यात्री मुझे सुझाव देते रहे कि मुझे पानी कहाँ मिलेगा। मैंने जमीन में इतने सारे गड्ढे खोद दिए पर वहाँ एक बूंद भी पानी नहीं है। मैं इसी के बारे में चिंतित था। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कितना समय और अपना श्रम गंवा दिया है? जाओ और उन सभी खुदे हुए गड्ढों को गिनो, और ये भी कि वो कितने गहरे हैं। तुम्हें आसानी से पानी मिल सकता था अगर तुमने अपने सारे प्रयास एक ही जगह पर किए होते तो। तुम सब की नहीं सुन सकते और अपना ध्यान नहीं भटका सकते दोस्त। तुमने सही कहा, मैंने अपना ध्यान भटका दिया। मुझे एक ही स्थान पर खोदते रहना चाहिए था। एलेक्स ने सबको बुलाया और सबसे कहा कि उसी जगह खोदो जहां उन सब ने शुरुआत की थी। उन्होंने कुछ देर खोदा, अंत में उन्हें पानी मिला। ये क्या बात है! सबने पानी पिया और अपने खाली घड़े भर लिए। काफिला 2 दिनों में बड़े शहर पहुंच गया। जैसी अपेक्षा थी, जेम्स और एलेक्स ने अपने हुनर से बहुत अच्छा पैसा कमाया। उनकी प्रशंसा की गई और उनके प्रयासों की तारीफ की गई। वो जल्दी ही अमीर हो गए।
उन्होंने और ज्यादा शिल्पकारों को रखा ज्यादा कलाकृतियाँ बनाने के लिए। उनकी कलाकृतियाँ अब दोनों ही स्थानों पर यानी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकती। जेम्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। ये सब इसीलिए हुआ कि मैंने एक ही समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया और अपना ध्यान भटकने नहीं दिया।